में, और कहानी है हमारे प्यारे मुकेश की तो इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे यू uh, नो you know, गरीबी के अंदर जब लोग आपको चाहते हैं कि आप सबमिट करो तो सपने uh, देखने का यू you नो know, एक uh, एक 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 झलक देखने को मिलता है यहाँ पे कि कैसे लोग अभी भी सपने देखते हैं मुकेश के अंदर वो झलक अनीस जंग को मिलती है तो चलो फिर शुरू करते हैं कि आखिरकार ये कहानी क्या है सो ऑथर यहाँ पे फिरोजाबाद की गलियों में मिलती है मुकेश से मुकेश वन ऑफ दी बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है मुकेश जो कि एक्चुअली यू नो बनना बैंगल मेकर नहीं चाहता है वो एक मोटा मकानिक बनना चाहता है आपकी फैमिली में अगर डॉक्टर्स है तो अभी नेक्स्ट आपकी बारी है अगर आपकी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है अगर आपकी फैमिली में लॉयर्स हैं तो आपको लॉयर बनना है आपकी फैमिली जो करती है वही चीज आपके ऊपर थोप दी जाती है और वो सही भी है कुछ हद तक बिकॉज आपके पास एक बेस रेडी होता है पेरेंट्स हमेशा यही चाहेंगे कि आपको कोई एक अच्छा बेस मिल जाए आपको कोई बनी बनाई चीज मिल जाए पे शायद मुकेश के साथ में भी वैसा ही गुड स्टोरी है फिरोजाबाद जो कि इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है ये जो कांच की चीजें आप देख रहे हैं ये सब कुछ फिरोजाबाद में बनती है। फिरोजाबाद की बहुत बड़ा सेक्शन जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बैंगल मेकिंग में डाल जाए लिए क्योंकि बैंगल मेकिंग एक्चुअली वहां पे वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं दिस इज समथिंग जो कि उनसे करवाया जाता है और ओवर जेनरेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जेनरेशन के बाद में ये करे जा रही है क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है सारे जेनरेशन का सो so अभी हर एक बच्चा जो पैदा होता है उससे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है जब वो ये बोलता है कि मुझे मोटा मकान बनना है तो अनिशंग सोचती है कि ये एक इल्यूजन है एक मिराज के जैसा है जिसे आप पाना तो चाहते हो बट वो आपको मिल नहीं सकता बोला कि यार ये मोटा मकाने कैसे बनेगा ये तो एक बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन बस बैंगल मेकिंग ही कर रहे हैं बीस हजार बच्चे बैंगल मेकिंग करते हैं फिरोजाबाद में अनीस जंग कहती है कि अगर लॉ को एनफोर्स किया गया तो ये बीस हजार बच्चे फ्री हो जाएंगे और ये सच है बैंगल मेकिंग जितनी हजारडस इंडस्ट्री में बैंगल मेकिंग जितनी हजारडस इंडस्ट्री में बच्चों का काम करना इलीगल है प्रोहिबिटेड है और हजारडस इंडस्ट्री ही क्यों चाइल्ड लेबर इंडिया में प्रोहिबिटेड है और ये किसी को नहीं पता छोटे छोटे डिंजी सेल्स में बिना वेंटिलेशन के बिना एयर के फोनसिस के सामने ये छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं जब तक इनकी सच में काम करने की उम्र आती है इनकी आंखें ही जा चुकी होती है आप सोचो जब तक ये सच में एलिजिबल बनेंगे काम करने के लिए तब तक ये देख ही नहीं पाएंगे मुकेश बोलता है मेरा घर ना मेरा घर तैयार हो रहा है मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी यहाँ पे जंग उसके साथ जाती है अनिश जंग देखती है पतली सी गलिया और उन पतली सी गलियों में बहुत स्मेल आ रही होती है क्योंकि जो है उनमें गार्बेज फंस गया है और वो इतनी ज्यादा स्मेल के अंदर लाइक और वहां पर हाफ बिल्ड है झोपड़पट्टी छोटी 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 हटमेंट्स है जो इतने छोटे छोटे हटमेंट्स बिना प्रॉपर वेंटिलेशन के ऐसा लगता है जैसे वॉल्स अभी गिर जाएंगी डोर्स अभी गिर जाएंगे और इनमें रह रहे हैं और एनिमल्स सब साथ में अनीस जंग ये सारी सिचुएशन को देखती है और इतने में मुकेश जाता है मुकेश जाके एक घर को किक करता है और किक करके अंदर घुस जाता है आप ये घर पे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये स्टंट जो है ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में किया गया है अगर आपने ये किया तो सामने से एक किक आएगा, अच्छा हाँ ये, ये ये जो दरवाजा तुमने बनाया है, बना है? तमीज से खोलना नहीं आता तुझे सो so, इसके लिए ही मत कीजिएगा मुकेश ने ऐसा किया और इतने में अनीस जंग पहुंच जाती है एक ऐसे ही हाफ बिल्ड शाक में वो रेनोवेट हो रहा होता है इसके लिए पूरी तरीके से अभी बना भी नहीं है नेचुरली वैसे भी वहां पे आ, इसी तरीके के घर होते हैं अब वो जब जाती है तो वो देखती है कि एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा है एक कोने के अंदर खाना बन रहा है सब्जियां पड़ी हैं सारे लोग बैठे हुए हैं वही एक रूम के अंदर सब कुछ उन्होंने सेट किया हुआ है वो देखती हैं कि मुकेश की भाभी बैठी है वो वो बेचारी चूल्हे पे खाना बना रही है ठीक है ठीक है इसके अंदर आ, के थ्री इडियट्स में किस तरीके से राजू की मम्मी एक कोने में बैठ के और खाना बना रही होती है और फिर इधर से एकदम से राजू के पापा को खुजली कर रही होती है और फिर उसी से वापस खाना बना देती है एंड आमिर खान सो एनी वे सो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सीन है मुकेश की भाभी के कोने में बैठी हुई है वो खाना बना रही है वो चूल्हे की स्मोक उनकी आंखों में जा रही है जिसकी वजह से आंखों में पानी आ रहा है और उन आंखों में मतलब पानी लेकर और वो हंसती है मुस्कुराती है और वो मुस्कुराती है वो देखती है और वो बेचारी पतली दुबली सी बहुत ही वीक वूमन लग रही है इतनी छोटी सी उम्र में वो बहू का दर्जा ले चुकी है मतलब वो सारे लोगों का ध्यान रखती है मुकेश की पूरी फैमिली का ध्यान रखती है और पता है जब भी कोई घर में बड़ा आता है तो जाती है चुपकी से और फिर अपना घूंघट लगा लेती है और फिर वॉल के पीछे छुप जाती है क्योंकि ये कस्टम डिमांड करता है कि जब कोई एल्डर मेल आएगा तो आपको छुप जाना है आपको अपने आप को कवर कर लेना है यहां पे ये एल्डर मेल जो है ये मुकेश के पापा है मुकेश के पापा जिन्होंने पहले एक टेलर के जैसे काम किया और उसके बाद में एक बैंगल मेकर जैसे काम किया उनको इतना एक्सप्लॉय किया गया है कि वो इतना भी नहीं कमा पाए कि अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दे वो इतना भी नहीं कमा पाए कि एक अच्छा घर बना ले और इनसे वो अपनी अपनी शक्ल अपना फेस कवर करती है आप सोचो कि इस लेवल का इस लेवल का एक्सप्लाइटेशन चल रहा है इन लोगों के साथ में केवल और केवल उसे बैंगल उन्हें बैंगल मेकिंग आता था इसीलिए उन्होंने उसे बैंगल बच्चों को बैंगल मेकिंग सिखा दिया मुकेश की ग्रैंड मदर वह ये एक्सेप्ट कर चुकी है मुकेश की ग्रैंड मदर ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी है मुकेश की ग्रैंड मदर को ये लग रहा है कि ये इनकी कर्म है ये इनकी डेस्टिनी है बोला ये भगवान का दिया हुआ है हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं क्योंकि हम बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं हमें तो बैंगल मेकिंग ही करनी है वो एक्सेप्ट कर चुकी है वो गिव अप कर चुकी है वो सोचना नहीं चाहती लड़ना नहीं चाहती वो कहती है भगवान की दी हुई लीनेज कोई तोड़ सकता है भला जिसने खुद ने अपने पति को अपने सामने यू नो आंखें गवाए गवाते हुए देखा है वो आज भी यही सोचती है और ये बताता है कि लोगों ने किस तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लिया है ऑथर रास्ते में सरिता से मिलती है एक छोटी सी बच्ची पिंक कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई होती है फटी पुरानी उसके हाथ ऐसे चल रहे होते हैं जैसे मशीन वो मशीन के जैसे बैंगल्स बना रही होती ऐसे और वो बेचारी बच्ची है और उसके साथ में एक बूढ़ी सी औरत और बैठी होती है एक और ग्रांड माँ बैठी होती है आप सोचो वो जो बच्ची है उस बच्ची को पता भी नहीं है वो क्या कर रही है उसने सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया है उसे और वो बच्ची क्या करती है वो वो बैंगल्स बना रही होती है उसे पता भी नहीं अनिशंक कहती है एक दिन जब वो ब्राइड बनेगी दुल्हन बनेगी तब उसे पता चलेगा कि बैंगल्स का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है कि इंडिया में ये सुहाग की निशानी है जैसे कि वो जब दुल्हन बनेगी और तब वो वो बैंगल्स पहनेगी जैसे कि उस औरत ने पहने थे जब वो दुल्हन बनी थी आज उस औरत के हाथ पे बैंगल्स तो है पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है वो उस happiness को जो कि मैरिज लेकर आता है उस happiness को को भी नहीं कर सकती उसने इन bangles को बनाने के चक्कर में अपनी आंखें ही खो दी तो आपको लगता होगा कि यार ये बैंगल इतनी मेहनत कर रहे हैं आंखें गवा रहे हैं अपने बच्चों की आंखें गवा रहे हैं बहुत पैसा है बहुत पैसा ऐसा कुछ नहीं है जब उस औरत से पूछा तो उस औरत ने बोला एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया बोला एक वक्त पेट भर के खाना नहीं खाया है मतलब उसने अपनी आंखें गवा दी है और आप सोचो आज तक उसने एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया है जो कि बताता है कि ये लोग कितनी बड़ी साइकिल में ट्रैप्ड है वहां पे ओल्ड मैन जो है इस फ्लोइंग बियर्ड के साथ में वो कहता है कि यार मैं तो आ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग जानता था तो मैंने ये किया मैं बैंगल मेकिंग जानता था बच्चों के लिए घर बना सकता था घर बना दिया ऑथर देखती हैं कि यार सच में इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया आप सोचो कितने सारे लोग हैं जो तो बेघर है क्या इसने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो बहुत लोग नहीं भी कर पाए सो आज हो सकता है कि ओल्ड मैन फेल होके भी पास हो चुका है सक्सेसफुल हो चुका है ऑथर इसे ऑप्टिमिस्टिकली देखती हैं। ऑथर देखती हैं कि जो दर्द है ये जो क्राय है कि इनके पास पैसा नहीं है किराए उन्हें एक नहीं दो नहीं हर घर में देखने को मिलती है हर घर में फिरोजाबाद का हर घर सेम स्टोरी से गुजरता है जब ये सारी की सारी चीजों को वो नोटिस करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इतने साल हार्डशिप करने के बाद में माइंड नंबिंग टॉयल करने के बाद में क्रिएटिविटी मर चुकी है लोगों ने सपने देखना बंद कर दिया है उन्होंने छोड़ दिए कोई भी तरीके की यू नो you know, उम्मीद Author पूछती है कुछ यंग मैन से कि यार तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते तुम क्यों कर रहे हो ये मिडिल मैन को क्यों खिला रहे हो पैसा तुम कोऑपरेटिव्स बनाओ तुम कितना कमाओगे वो यंग मैन कहते हैं हमने अगर कोऑपरेटिव्स बना लिए तो हमें पुलिस वाले ऐसे पकड़ के ले जाएंगे जैसे हमने कुछ तो इलीगल किया है आप सोचो इन लोगों को इस तरीके से यूज किया जा रहा है दैट मींस इन लोगों को यू नो you know, एक मींस के जैसे यूज किया जा रहा है एक मतलब ये वर्कर्स बना रखे हैं और ऐसे वर्कर्स की इन्हें कुछ पैसे दिए भी नहीं जाते और पता नहीं टेन टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स बैंगल्स को बेच दिया जाता है तो ये लोग ये लोग इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो बोलते हैं कि हमें जेल हो जाएगी अगर हमने ऐसा कुछ किया उनके उनके अंदर कोई लीडर नहीं बचा है बच्चावाड़ी कोई है नहीं जो कि खड़ा और बोले कि यार ये क्या है हम लोग ये चीज सहन नहीं करेंगे ये लोग बस सहन करे जा रहे हैं क्योंकि इन्हें करना पड़ेगा इसको देख के ऑथर के सामने आते हैं दो वर्ल्ड्स एक उन गरीब लोगों का जो विश्व साइकिल में फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं है, वही करे जा रहे हैं वही करे जा रहे हैं पावर्टी पर पैचुअल पावर्टी से गुजरे जा रहे हैं और एक उन एक्सप्लॉयटर्स का जिनके अंदर आते हैं साहूकार ब्यूरोक्रेट्स, लॉ मेकर्स, कीपर्स ऑफ लॉ ये सारे लोग जो मिलकर इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर इतना बर्डन डाल दिया है एक छोटे से बच्चे पे भी कि वो बच्चा उस बर्डन को नहीं झेल पाएगा वो नेचुरली नेचुरली उसमें वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने बैंगल मेकिंग को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता पूर्वज जो करते आए आज यंग मैन में वो वो एक्सेप्टेंस दिखती है वो रिफ्लेक्शन दिखता है कोई भी चीज करना बैंगल मेकिंग के सिवाय हिम्मत मांगेगा और इन बच्चों में हिम्मत सिखाई नहीं जाती हिम्मत डाली नहीं जाती इनका इनका परवरिश हिम्मत से नहीं की जाती जब ऑथर देखती है कि मुकेश कहता है वो वो बैंगल मेकर बने आ, मुकेश कहता है कि वो मोटर मकानिक बनेगा तो ऑथर बहुत खुश हो जाती है वो सोचती है यार कम से कम कोई तो सपने देख रहा है और मुकेश ने हर एक चीज को प्लान आउट किया है ये दिखाता है कि मुकेश कितना डिटमेंड है बनने के लिए बोलता है मैं चल के चला जाऊंगा गैराज जाना पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं सीख लूंगा सब कुछ अभी इसको चेक करने के लिए वो पूछती है तुम प्लेन उड़ाओगे क्या मुकेश बोलता है नहीं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा मैं मोटर मकानिक बनूंगा मुकेश ने देखी नहीं है प्लेन्स फिरोजाबाद जो इतना कम डेवलप्ड है उसके ऊपर से कहा प्लेन्स जाती होंगी मुकेश ने ये सपना नहीं देखा है मुकेश ने सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मकानिक बनने का सपना देखा है और गॉड नोज कि वो कभी उसे अचीव कर भी पाएगा या नहीं क्योंकि अगर फिरोजाबाद में सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुकेश के लिए बस एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह जाएगा एक इल्यूजन बन के रह जाएगा इसने कम से कम सपना देखा है कम से कम सपना देखा है हो सकता है इसे फैमिली के सामने गिव अप करना पड़े साहिब ने पहले ही गिव अप कर दिया है और दोनों जगह पे आप देखोगे कि इनकी इनकी यू नो चाइल्डहुड जो है वो जा चुका है साहिब ऑलरेडी काम कर रहा है मुकेश करने लगेगा किस तरीके से पावर्टी के चलते ये बच्चे गिवअप कर रहे हैं किस तरीके से इन बच्चों का बचपन इनसे छीन लिया जा रहा है दैट्स इट फॉर आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एंड इसके बाद में हम करने वाले डीप वाटर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि जितनी जल्दी जल्दी वीडियोस आते जाए उतने जल्दी जल्दी आप देखते जाओ एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव सम फेवरेट पार्ट इन द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर योर मेमरीज इफ़ यू हैव एनी फ्रॉम द क्लासेज क्योंकि मेरे को लगता है मैं हंड्रेड टाइम ये पढ़ा रही हूँ सो दैट इज़ ऑल्सो टिल देन बाय बाय टेक केयर